नमस्कार दोस्तों, प्रेषा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं LIC के आधार स्तंभ प्लान के बारे में। यह है LIC का प्लान नंबर 943। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्लान की पूरी फीचर्स और इस प्लान में क्या क्या प्रीमियम रहता है और इस प्लान का पूरा एग्जाम्पल्स, जिसमें हम देखेंगे कि मेच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलता है इस पॉलिसी में और डेथ बेनिफिट्स क्या मिलता है। इसके साथ ही इसमें क्या क्या टैक्स इम्प्लिकेशंस रहते हैं और क्या क्या फीचर्स है इसकी, वो भी इसमें हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि ये पॉलिसी केवल पुरुषों के लिए है, यानी सिर्फ मेल्स ही इस पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए ये पॉलिसी नहीं है। फीमेल्स के लिए LIC का इसी प्रकार का दूसरा पॉलिसी है जिसका नाम है आधारशिला। दूसरा ये है, इसमें प्रीमियम काफ़ी कम है और ये पॉलिसी कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। इसके साथ ही साथ इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़ता है, जो कि इसकी एक अच्छी खास बात है। और इसके साथ ही साथ इस पॉलिसी में आपको लॉयल्टी बेनिफिट भी मिलता है। 5 साल पॉलिसी पूरा होने के बाद LIC की तरफ से लॉयल्टी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अब आइए इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन ये पॉलिसी ले सकता है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो बताइए 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष अगर किसी बच्चे ने पूरा कर लिया है तो उस बच्चे के नाम से ये पॉलिसी ली जा सकती है। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज यहाँ पे रहता है 55 वर्ष। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी जब पॉलिसी मैच्योर होती है उस टाइम पे कितनी उम्र हो सकती है मैक्सिमम, तो ये बताइए 70 वर्ष। यानी अगर कोई 55 वर्ष का व्यक्ति है तो वो 15 वर्ष का ही मैक्सिमम पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि 15 वर्ष के बाद वो 70 वर्ष का हो जाएगा। तो मैच्योरिटी के समय मैक्सिमम एज है वो 70 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा बीमा की न्यूनतम जो अवधि यानी मिनिमम टर्म है वो उसका 10 वर्ष का रहता है, और मैक्सिमम टर्म की हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे है 20 वर्ष का। अब अगर बीमा की न्यूनतम राशि की बात करते हैं, मिनिमम सम एश्योर्ड, तो मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे है 75,000 रुपये, और जो मैक्सिम और उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 5,000 के मल्टीप्लाई में ले सकते हैं 1.5 लाख तक, और 1.5 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो आपको 10,000 के मल्टीप्लाई में 3 लाख तक का बीमा मिल जाता है। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे है 3 लाख रुपए है, ये गलती से 2 लाख हुआ है। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 लाख का। और प्रीमियम भुगतान की अगर हम बात करते हैं, तो आपने जितने टर्म का पॉलिसी लिया है यानी 10 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 10 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने 20 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको पूरे 20 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। इसके अलावा रिस्क कवर की शुरुआत, क्योंकि ये पॉलिसी 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है तो ये पॉलिसी लेते ही रिस्क कवर की शुरुआत हो जाती है पहले दिन से ही। अब आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिसी धारक है वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहता है, और दूसरा यही हम एग्जांपल देखेंगे जब पॉलिसी धारक की पॉलिसी मैच्योर होने से पहले डेथ हो जाती है। तो दोनों कंडीशन में LIC की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप एरो के आगे आप देखेंगे वहाँ पे जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एक हम निवेशक लेते हैं जिसकी उम्र है 30 वर्ष, और वो आदमी 3 लाख का बीमा लेता है और उसकी पॉलिसी अवधि है वो रहती है 20 वर्ष। तो उसको जैसा हमने देखा था कि जितना पॉलिसी टर्म होगा उतना उनको प्रीमियम पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 20 वर्ष तक उसको प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। और प्रीमियम की जहाँ तक बात है, अगर वो सालाना प्रीमियम देता है तो उसका साल का प्रीमियम रहता है 10,525 वर्ष हर वर्ष के लिए, और पहले वर्ष के लिए ये 200 रुपये ज़्यादा हो जाता है, 10,700 रुपये, क्योंकि पहले वर्ष का टैक्स होता है 4.5% रहता है GST, और दूसरे वर्ष के बाद GST होता है वो 2.5% होता है। तो पहले वर्ष का प्रीमियम रहेगा आपका 10,700 कुछ रुपये, और दूसरे वर्ष के बाद अगले 20 वर्ष तक रहेगा प्रीमियम आपका 10,525 रुपये हर वर्ष। और अगर मंथली प्रीमियम में आप जाते हैं तो प्रीमियम रहता है 896 रुपये हर महीना। अब बात आती है जब निवेशक की उम्र हो जाएगी 50 वर्ष, तब उसकी पॉलिसी होगी वो मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योरिटी पे यहाँ पे बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपको कुल राशि 3,97,500 रुपये की, यहाँ पे मैच्योरिटी राशि मिल जाती है।
ये 3,97,500 है, इसमें 3 लाख रुपए तो आपका सम एश्योर्ड यानी बीमा की राशि है, और LIC की तरफ से आपको लॉयल्टी बोनस है वो मिलता है 97,500 रुपये का। ये तो उस कंडीशन में रहता है जब बीमा धारक की इन 20 वर्षों में डेथ नहीं होती है पॉलिसी मैच्योर होने तक, और बीमा धारक 50 वर्ष के बाद भी जिंदा रहता है। अब अगर मान लीजिए यही बीमा धारक है, इसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, उस कंडीशन में क्या रहेगा? तो उस कंडीशन को देखते हैं हम। उस कंडीशन में मान लीजिए पॉलिसी की शुरुआत हुई, और अब क्या है, पॉलिसी लेने के 4 वर्ष बाद ही बीमा धारक की डेथ हो जाती है, तो बीमा धारक को उस टाइम पे LIC की तरफ से जितना सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है 3 लाख का। यानी आपने सिर्फ 4 वर्ष का प्रीमियम पे किया होता है, उस 4 वर्ष के प्रीमियम के बदले में पूरा का पूरा सम एश्योर्ड है वो LIC की तरफ से मिल जाता है। लेकिन अगर 5 वर्ष या उसके बाद डेथ होती है तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, लॉयल्टी एडिशन अलग से मिलता है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 वर्ष की डेथ की बजाय अगर डेथ 10वें वर्ष में होती है, तो बीमा धारक के जो नॉमिनी है उनको पॉलिसी राशि यानी जो सम एश्योर्ड है 3 लाख रुपए वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ 10 वर्ष का जितना भी लॉयल्टी बोनस LIC देता है वो लॉयल्टी बोनस अलग से मिल जाता है। यहाँ पे दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपने इसमें कोई एक्सीडेंटल डेथ टाइप राइडर लिया है तो वो राइडर का बेनिफिट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे आपने राइडर 3 लाख का ले रखा है तो 3 लाख का एडिशनल जो बेनिफिट है वो मिलता है, वो चाहे पॉलिसी धारक की डेथ 1 वर्ष बाद हो, 1 महीने बाद हो, या 20 साल बाद, 20 साल तक कभी भी हो, तो एक्सीडेंट से अगर डेथ होगी तो एक्सीडेंटल डेथ राइडर का बेनिफिट मिल जाता है। अब जो इनकम टैक्स की रूल्स देख लेते हैं, इनकम टैक्स में के हिसाब से जितना भी आप इसका प्रीमियम पेमेंट करते हैं वो आप सेक्शन 80C के तहत इसमें छूट ले सकते हैं। मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट है वो आयकर अधिनियम की धारा 10-10D के तहत उसमें छूट मिलती है। इसके अलावा प्रीमियम का भुगतान है, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। आप मंथली बेसिस पे प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, या आप हाफ ईयरली बेसिस पे, या आप एनुअल बेसिस पे इसका प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब सुविधा के हिसाब से प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा ग्रेस पर पीरियड की बात करते हैं। ग्रेस पीरियड होता क्या है? ग्रेस पीरियड का मतलब होता है ये एडिशनल टाइम आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है प्रीमियम पेमेंट करने के लिए। यानी आपका प्रीमियम पेमेंट की अगर लास्ट डेट 30 तारीख है तो उसके बाद कितने दिन का टाइम आपको और मिल जाता है प्रीमियम पेमेंट करने के लिए, वो ग्रेस पीरियड कहलाता है। इस ग्रेस पीरियड में अगर कोई क्लेम आ जाता है तो बीमा कंपनी को क्लेम पास करना होता है, इस कारण ग्रेस पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे LIC की तरफ से आपको अगर मंथली प्रीमियम का पेमेंट आपने चुना है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आपने क्वार्टरली हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस का प्रीमियम चुना है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से LIC की तरफ से, उसके लिए कम से कम 2 वर्ष तक का प्रीमियम का भुगतान किया हुआ होना चाहिए। 2 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट करने के बाद आप पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, और लोन की जो राशि है वो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के 90% तक मिल जाती है। पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है, इसके लिए भी 2 वर्ष तक का प्रीमियम का भुगतान किया हुआ होना चाहिए। तो आपने 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान किया है तो पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, पॉलिसी लेते टाइम हमेशा सोच समझ कर विचार करके ही पॉलिसी लें, क्योंकि एक बार आपने पॉलिसी ले लिया है उसके बाद अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी पैसा काट लेती है। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले ये सोच लें कि आप उस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेंगे। इसके अलावा पॉलिसी रिवाइवल के लिए 5 वर्ष का टाइम मिलता है। पॉलिसी रिवाइवल का मतलब है अगर आप किसी कारणवश से प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर देते हैं तो आपके लिए 5 वर्ष का टाइम होता है। आप 5 वर्ष के भीतर कभी भी पॉलिसी का जितना भी प्रीमियम ड्यू था वो प्रीमियम प्लस उस प्रीमियम पे ब्याज था वो पेमेंट करके LIC से पॉलिसी वापस शुरू करवा सकते हैं। अब मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं, तो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम की राशि है वो सारी की सारी राशि एक साथ ही ली जा सकती है मैच्योरिटी पे या डेथ पे, या इसी राशि को आप 5, 10 या 15 वर्षों की किस्तों में भी ले सकते हैं, और ये किस्तें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली अपने हिसाब से हो सकती है। और अगर आप किस्तों में मैच्योरिटी डेथ क्लेम लेना चाहते हैं तो LIC की तरफ से इन किस्तों पर आपको ब्याज भी मिलता है।
लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि पॉलिसी धारक है उसको डेथ या मैच्योरिटी से पहले एलआईसी को बताना होगा कि वो मैच्योरिटी की राशि या डेथ की राशि कैसे अवेल करना चाहते हैं। तो मैच्योरिटी की राशि जैसे ही ऑप्शन चुनते हैं उसी हिसाब से पॉलिसी धारक को मिलना शुरू हो जाती है, और डेथ क्लेम की राशि पॉलिसी धारक ने जैसा बताया है 5, 10 या 15 वर्षों में या सारी राशि एक किस्त में, उस हिसाब से एलआईसी नॉमिनीज को देना शुरू कर देती है। यहाँ पे नॉमिनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जैसा बीमा धारक ने बताया होता है एलआईसी उसी हिसाब से क्लेम का सेटल करता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें इसको, लाइक करें जम के, क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं वो हमें बहुत एनकरेज करते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ताकि हम बहुत सारा ज्ञान है वो संक्षिप्त में आसान भाषा में आपको प्रस्तुत कर सकें। और अगर दोस्तों अभी तक आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए, इंश्योरेंस वर्ल्ड से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आसान भाषा में हिंदी में मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं LIC का एजेंट नहीं हूँ, ना ही LIC में काम करता हूँ। यह वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध मटेरियल के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसका मकसद सिर्फ जानकारी बांटना है। इसका मकसद किसी प्रकार की निवेश सलाह देना नहीं है। हमारा निवेश अपना निवेश खुद सोच समझ कर तथा आवश्यक रिसर्च करके ही करें, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस बीमा प्रोडक्ट पर सटीक एवं अपडेटेड जानकारी के लिए नज़दीकी LIC कार्यालय में संपर्क करें या LIC की वेबसाइट को विजिट करें। आप LIC द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। पॉलिसी के बारे में LIC द्वारा दी गई जानकारी ही सही माने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।